ये एक टूल ऐसा है जो पिछले कुछ महीनों में ब्लॉगिंग कम्युनिटी में काफ़ी ट्रेंड पर है, क्योंकि ये SEO भी कर सकता है, AI राइटिंग भी कर सकता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है पिछले कुछ महीनों से। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी, यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिव्यूज़ करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं KWHero के बारे में, जो कि ब्लॉगिंग कम्युनिटी में काफ़ी आग लगा रहा है पिछले कुछ महीनों से। एंड अभी इसमें खास बात यह है कि ये लाइफ टाइम डील के ऊपर है, तो दिस इज़ अ टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली यूज़ इट, टेस्ट इट आउट। अच्छा लगे तो यू कैन यूज़ इट आउट, नहीं लगे तो रिफंड भी आपको मिल जाएगा। और अभी जो डील मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं अभी उसका रिव्यू करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किसके लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, कौन से अच्छे इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, किस पार्ट में ये अच्छा है, किस पार्ट में ये लैग कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे SEO टूल्स को यूज़ किया है। आई विल जस्ट से दिस, इफ़ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉगिंग तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। KWHero की प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो स्टार्ट होता है $59 पर मंथ से। ये सारी चीज़ें क्या है ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में चल के बताऊँगा, बट अभी जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर इसकी लाइफ टाइम डील चल रही है, जिसमें आपको $69 में जितनी इसकी मंथली प्राइजिंग है उतने में आपको यहाँ पर लगभग ईयरली ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आज हम लोग इसी प्लान के बारे में बात करेंगे और मैं आपको एंड में बताऊँगा कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, कौन सा प्लान एक्चुअली वर्थ इट है, सब कुछ बताऊँगा आज के इस वीडियो में। नाउ एक छोटा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे इस वीडियो के लिए किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, जो भी मैं बोल रहा हूँ इट्स बेस्ड ऑन माय ओपिनियंस, माय टेस्टिंग और जो भी मेरा SEO और ब्लॉग कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर। हालांकि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो यू कैन बाय दिस टूल थ्रू माई लिंक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। वो मेरा एफिलिएट लिंक रहेगा, मतलब मुझे यहाँ पे कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एडिशनल कॉस्ट के। तो आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सपोर्ट मी बाय यूजिंग द लिंक्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। थैंक यू। शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले फीचर्स से, वो है कीवर्ड रिसर्च का। ये आपको वॉल्यूम दे देगा आपके कीवर्ड के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड डालता हूँ, हाउ लॉन्ग डू ईवी बैटरीज लास्ट, कौन से कंट्री में मुझे इसको टारगेट करना है, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स। मैं यहाँ पे इसको सर्च करूँगा एंड देन ये यहाँ पर मुझे इसका वॉल्यूम दे देगा, कितना इसका वॉल्यूम है और कौन सी कंट्रीज़ में है, CPC क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बेसिक चीज़ें दे देगा। इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है और आपके पास कितनी डोमेन मिनिमम अथॉरिटी होनी चाहिए, ये अपने एल्गोरिदम्स के हिसाब से आपको बता देगा कि आपके पास एटलीस्ट 18 अथॉरिटी आपकी होनी चाहिए। नाउ जैसे ही आप लोग यहाँ पे कीवर्ड सर्च करोगे, ये यहाँ पर आपको जो कीवर्ड लुकअप्स है उसमें से एक कीवर्ड लुकअप चला जाएगा, जिसमें आपको 50 कीवर्ड लुकअप्स पर डे मिलते हैं अगर आप लोग Tier 1 वाला प्लान लेते हो तो। इनका मेरे पास अभी फ़िलहाल इसका ये वाला प्लान है, तो यहाँ पर मुझे 50 कीवर्ड लुकअप्स पर डे मिल रहे हैं, विच इज़ गुड इनफ। अब जैसे ही यहाँ पर मैं किसी और पर सर्च करूँगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। तो जितने पे आप लोग यहाँ पे सर्च करते जाओगे ये उतना होते जाएगा। देन यहाँ पर आता है सर्प एनालिसिस। सर्प एनालिसिस मीन्स यहाँ पर फ्रेश जो भी सर्प्स है, जो टॉप 10 जो गूगल के सर्चेस है वो देखेगा। ये आ गया सर्प एनालिसिस, ये टॉप 10 आर्टिकल जो रैंक हुए उसके बारे में बता देगा, कितनी उनकी डोमेन पावर है, वो सब यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दे देगा। और इस सर्प एनालिसिस पे जैसे क्लिक करोगे वो खत्म हो जाएगा। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये रिफ्रेश होती है 1 दिन के अंदर, एंड मेरे हिसाब से डिसेंट है फॉर द बेसिक रिसर्च दैट वी नीड टू डू। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कीवर्ड वॉल्यूम इसने दिए वो एक्चुअल में कितनी ट्रस्ट वर्दी है। इसलिए यहाँ पर मैंने जो 3 कीवर्ड्स को सर्च किया था, टाइप्स ऑफ कॉफी बीन्स, टाइप्स ऑफ स्टारबक्स कॉफी बीन्स और स्टारबक्स कॉफी बीन्स, इनकी ये तीनों वॉल्यूम थी, इसको मैंने देन HREF से क्रॉस चेक किया और ऑलमोस्ट सिमिलर ही मुझे यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिली है HREFs पे। 19-20 का फर्क है, सो HREFs और इसका वॉल्यूम सिमिलर है, तो यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट दिस टूल फॉर वॉल्यूम रिसर्च। लेकिन आप लोग इसको कीवर्ड रिसर्च के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सिर्फ मुझे यहाँ पे 3 कीवर्ड सजेस्ट ही किए गए हैं, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए इसको यूज़ मत करना, सिर्फ कीवर्ड वॉल्यूम चेकिंग के लिए इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। थर्ड इसका फीचर आता है, वो आता है कंटेंट एनालिसिस का, NLP ऑप्टिमाइजेशन का, SEO आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन का। तो उसके लिए जैसे ही आपने कोई भी कीवर्ड सर्च किया, जैसे कि मैंने मान लो मुझे इस कीवर्ड पे अपना आर्टिकल लिखना है, देन आई विल सिलेक्ट दिस कीवर्ड, आई विल सिलेक्ट ऐड टू कंटेंट प्लान हियर, आई विल सिलेक्ट जो मेरा यहाँ पे कंटेंट प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, आई विल क्लिक ऐड कीवर्ड्स, देन आई विल गो टू कंटेंट क्रिएशन। यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेरा कीवर्ड ऐड हो चुका है और यहाँ पर मैं इसके बाद क्रिएट न्यू कॉन्टेंट एनालिसिस फॉर कीवर्ड इस पर क्लिक कर दूंगा एंड देन इसके बाद ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में टॉप 10 गूगल के जो रैंक्ड आर्टिकल्स है फॉर दिस कीवर्ड, ये उसको सर्च करेगा, देखिएगा कि उन्होंने यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स यूज़ करे हैं एंड देन उसके हिसाब से वो हमें बताएगा कि हमें कौन कौन से यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारा आर्टिकल है वो ईजिली रैंक हो पाए ऑन गूगल। तो यहाँ पर इसका कॉन्टेंट एनालिसिस हो चुका है, इसके बाद हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। सो ये यहाँ पर इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पर आपका आर्टिकल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट में आपको बता देगा कितने वर्ड्स आपको अप्रॉक्स लिखने पड़ेंगे, कितने हेडिंग्स होनी चाहिए, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, कितने इमेजेस होने चाहिए, रीडेबिलिटी कैसी होनी चाहिए एंड देन नीचे ये आगे हमारा मेन कॉन्टेंट का पार्ट कि ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये हमें अपने हमारे आर्टिकल में इंक्लूड करने चाहिए फॉर बेटर SEO ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज SEO इससे ज़्यादा बेटर हो जाएगा।
एंड जैसे सर्फर एसईओ काम करता है वैसे ही ये भी करता है, सर्फर एसईओ, मार्केट न्यूज़, न्यूरॉन राइटर, वैसे ही ये वाला पार्ट भी इसका काम करेगा। अभी जैसे यहाँ पर मान लेते हैं मेरा एक टॉपिक था टाइप ऑफ कॉफ़ी बीन्स, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉन्टेंट एनालिसिस पे जाऊँगा एंड दिस वॉज द आर्टिकल जो इसकी AI ने लिखा था। एंड AI के ऊपर अभी हम लोग आगे आएंगे, पहले सिर्फ कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझ लो। तो ये जो यहाँ पर आर्टिकल है, ये सारे जो कॉन्टेंट्स है, ये सारे जो भी टॉपिक्स है, वो इस आर्टिकल में हमें नेचुरल फ्लो में इंक्लूड करना चाहिए, वो होता है NLP कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे दूसरे टूल्स भी हैं, जैसे कि मार्केट म्यूज़ हो गया, ये मार्केट म्यूज़ का इंटरफेस है, यहाँ पर भी ये आपको सारे कीवर्ड्स मिलते हैं जो आपको आपके आर्टिकल में इंक्लूड करना रहता है। एंड मार्केट म्यूज़ आई थिंक इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल जो मैंने अभी तक यूज़ किया है। सर्फर SEO इज़ द किंग, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मार्केट म्यूज़ काफ़ी अच्छा उसके लिए ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम डील पे चाहिए तो जो न्यूरॉन राइटर है, न्यूरॉन राइटर एंड KWHero, ये जो दोनों हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे सिमिलर ही दे रहे हैं। एंड मैंने उसी क्वेरी के लिए यहाँ पे फ्रेज भी यूज़ किया और मुझे KWHero में एज सच ऐसे कुछ मेन नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखे हैं फॉर NLP ऑप्टिमाइजेशन। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है आउटलाइन बिल्डर। सो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये रहा आउटलाइन बिल्डर, ये एक AI आउटलाइन बिल्डर है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आपका जो वन क्रेडिट है AI का, दिस वन AI क्रेडिट्स, वो एक क्रेडिट यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा अगर आप लोग AI आउटलाइन को क्रिएट करोगे। तो नाउ मैंने AI आउटलाइन यहाँ पे क्रिएट करी थी ऑलरेडी, मेरे पास अभी क्रेडिट्स नहीं बचे हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्रिएट AI आउटलाइन जैसे क्लिक करोगे, इसने मुझे इस तरह की यहाँ पर AI आउटलाइन दी थी। इट इज़ डिसेंट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फालतू के इंक्लूड हो गए, जैसे FAQs यूजुअली लास्ट में रहता है, लेकिन FAQs के बाद यहाँ पर और इसने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जो कि इररिलेवेंट थे मेरे टॉपिक के हिसाब से। दूसरे लोगों ने शायद से इसको डिस्कस किया हुआ, लेकिन मेरे टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर इररिलेवेंट थे। तो जो AI आर्टिकल आउटलाइन है वो मुझे यहाँ पर इतना पसंद नहीं आया है। कंपेयर अगर मैं इसको करूँ फ्रेस से, तो फ्रेस ने यहाँ पर जो मुझे आउटलाइन दिया है, दैट इज़ वे बेटर। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है AI कॉन्टेंट का। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपनी आर्टिकल को जनरेट, आर्टिकल की आउटलाइन जनरेट कर लोगे, उसके बाद यू कैन हैव AI कॉन्टेंट राइटर। नाउ जैसे ही आप लोग AI कॉन्टेंट राइटर पर क्लिक करोगे, इस तरह का यहाँ पर आपको इंटरफेस दिख जाएगा। वर्ड काउंट इसकी 2050 आ रही है बेस्ड ऑन द आउटलाइन दैट वी हैव गिवन, और जो यहाँ पे वर्ड्स हमने इसको सजेस्ट करें उसके बेसिस पर इसकी जो वर्ड काउंट है वो अराउंड 2000 वर्ड्स की रहेगी। टोन ऑफ वॉइस में आपको कैसी चाहिए, फ्रेंडली यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है। कंटेंट लेवल किसके लिए, प्रोफेशनल, बिगनर्स, और पर्पस क्या रहेगा, इन्फॉर्म कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ओपिनियन बेस्ड है, स्टोरी टेलिंग है, वो डाल सकते हो। वॉइस पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, सिंगल पर्सन मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है। और NLP ऑप्टिमाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यस रखना। तो जो हमने यहाँ पे देखा था गाइडलाइंस, ये जो कीवर्ड्स थे, ये इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आपका आर्टिकल लिखेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रैंक इन गूगल। एंड इसके बाद यहाँ पर स्क्रेप फ्रेश कंटेंट, पास AI डिटेक्शन, यू कैन टर्न दिस यस भी कर सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली इसको नो ही करता हूँ, क्योंकि कभी कभार जो वो रिजल्ट्स देता है वो इतने अच्छे नहीं आते फिर उसके। और यहाँ पर अगर आपको कुछ गाइडलाइंस देनी है, तो जैसे मैंने उसको कहा राइट इन फर्स्ट पर्सन, गिव पर्सनल एग्जाम्पल रिलेटेड टू माई एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड इटली, और गिव रेफरेंस टू स्टारबक्स एंड इंक्लूड सम ह्यूमर एज वेल। इसके बाद जैसे ही मैंने इस पर राइट कॉन्टेंट पर क्लिक किया, उसने इस आउटलाइन के बेसिस पर 2-3 मिनट के अंदर मुझे पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिख के दे दिया है। एंड इस आर्टिकल को जो मैंने पढ़ के देखा, इट इज़ गुड, अच्छा लगा है मुझे जो AI ने लिखा है यहाँ पे, GPT-4 का ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और जो इसने मेरी गाइडलाइंस भी देखी है, ठीक है, इंडिया से मैंने जहाँ पे चाय पीता था, फिर मैं यहाँ पे इटली गया, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस इसने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। फिर जो मैंने स्टारबक्स का रेफरेंस दिया था कि स्टारबक्स का रेफरेंस लेकर के कुछ यहाँ पे कर दो, कुछ उसको ह्यूमर ऐड कर दो, वो भी इसने कर दिया है। और कॉफ़ी बीन के बारे में, फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने आउटलाइन दी थी वो इसकी इतनी अच्छी नहीं थी। एंड अगेन फर्स्ट पर्सन में लिखा है, तो वो कनेक्शन यहाँ पे बैठ पा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि AI ने इसको लिखा है। कुछ मैं और एडिट्स वगैरह कर दूंगा, अगर इमेजेस वगैरह ऐड कर दूँ, वीडियोस वगैरह ऐड कर दूँ, तो और ये बेटर हो जाएगा, बट इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और जो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, बिकॉज ये इस आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगेन यहाँ पर भी आपको स्टारबक्स का रेफरेंस दिख जाएगा। सो आई विल से कि AI आर्टिकल जो इसने लिखा है वो काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन जो आउटलाइन बनाई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। डील के बारे में बात करूँ, तो डील में जो इसका जो tier 1 प्लान है, उसमें ये सब सारी चीज़ें तो अच्छी है कि आपको, ठीक है, कीवर्ड लुकअप्स मिल रहा है, कंटेंट एनालिसिस अच्छे खासे मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको tier 1 में अच्छी मिल जाएगी। बट जो AI क्रेडिट्स हैं वो काफ़ी कम है, यहाँ पर आपको सिर्फ 5 AI क्रेडिट्स मिल रहे हैं। 5 मतलब सिर्फ आप लोग एक आर्टिकल लिख पाओगे, क्योंकि एक AI क्रेडिट यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है जब आप लोग इसकी आउटलाइन जनरेट करते हो, और जैसे ही यहाँ पे कंटेंट लिखोगे,
जैसे ही आप लोग यहाँ पे नीचे जाके राइट कंटेंट क्लिक करोगे, उसके बाद ये 4 AI क्रेडिट्स को कंज्यूम करेगा। तो दैट मींस 5 AI क्रेडिट्स यू विल नीड फॉर वन आर्टिकल। बेसिकली अगर आपको AI आर्टिकल लिखना है तो गो विद देयर टीयर 3 और सम हायर टीयर प्लान्स। लेकिन अगर आपको AI आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ कीवर्ड वॉल्यूम चेकर और कीवर्ड कंटेंट एनालिसिस के लिए चाहिए, तो फिर आप लोग इसका टीयर 1 भी देख सकते हो। एंड अगर आपको सिर्फ अगेन कंटेंट एनालिसिस के लिए चाहिए तो न्यूरॉन राइटर भी है, उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा। वो भी अभी लाइफ टाइम डील पर है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, दिस इज़ न्यूरॉन राइटर, इसकी भी लाइफ टाइम डील है, वो आप लोग देख सकते हो सिर्फ अगर आपको NLP ऑप्टिमाइजेशन SEO आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए चाहिए। तो अभी जिस लाइफ टाइम डील पर है ये, इट्स अ नो ब्रेनर राइट नाउ। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम डील के ऊपर कीवर्ड रिसर्च वॉल्यूम चेकर, NLP ऑप्टिमाइजेशन, SEO, AI आर्टिकल राइटर, ये तीनों चीज़ें आपको मिल रही है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट है कंसिडरिंग द टीम दे आर हैविंग। अभी तक जो इन्होंने डेवलपमेंट किया है, जिस पेस से डेवलपमेंट हो रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड टूल टू इन्वेस्ट इन। आप लोग इन्वेस्ट करके देख सकते हो, यूज़ करके देखो, क्योंकि यहाँ पे 60 डे की रिफंड पॉलिसी भी है। तो इन्वेस्ट कर लो अभी, अगले 1-2 महीने इसको यूज़ करके देखो, अच्छा लगे तो रख लो, नहीं लगे तो रिफंड कर लो। बट इफ़ यू आर अ ब्लॉगर, कॉन्टेंट राइटर, और अभी तक आपके पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है, तो डेफिनेटली यूज़ दिस टूल, इट विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।